हेलो नमस्कार। कक्षा 12 में अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया डे 171 में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। इस चैप्टर में एक बात हमने पढ़ी थी, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के टाइप्स क्या हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, उनमें आपको वन वर्ड के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एक नंबर में एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल बताना पड़ता है, नॉर्मल बातें कि तरंगागर कितने प्रकार के हैं या गोलीय तरंगागर कैसे बनते हैं, उन सब की बातें हमने कर ली, अब नहीं करेंगे हम। पिछली क्लास देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो। 171 कर रहे हैं आज हम, और नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसके लिए तरंगागर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान कला में कंपन करते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, परिणामी हमें जो मान प्राप्त होता है उसको हम तरंगागर कहते हैं, जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तरंगागर के जो लंबवत खींची गई रेखा है, वो प्रकाश किरण कहलाती है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो लंबवत होता है उसको, और वो जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा है। इसको करने के लिए दो, एक बात पहले हम कर लेते हैं, एक बात कि तरंगागर के लंबवत खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा है, वास्तव में नहीं है वो, हमने केवल उसको उसकी दिशा को बताने के लिए हम उसका यूज करते हैं। खींची गई काल्पनिक रेखा प्रकाश किरण कहलाती है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो लंबवत ट्रांसफर होती है, ये हमें ध्यान रखना है, लंबवत खींची गई रेखा। अभी हम बात कर लेते हैं कैसे, जैसे हम ये कहते हैं कि बिंदु समान स्रोत से कैसे तरंगागर निर्मित होते हैं, कैसे गोलीय तरंगागर निर्मित होते हैं। तो यहाँ से जैसे ये बिंदु समान स्रोत है तो इससे पर ऊर्जा किधर जा रही है, इसके लंबवत जा रही है, तो उसको हम इस तरह से व्यक्त करेंगे, सभी दिशाओं में जा रही है। तो ये क्या हो गए, क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश किरण, एक बात तो हमें ये इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, मुख्य बिंदु जो है वो क्या है, उसमें पहला बिंदु तो वही है तरंगागर की परिभाषा, फिर दूसरी बात इस तरंगागर से अगला तरंगागर कैसे बनता है उसकी बात हम करेंगे कि कैसे बनता है, ये कैसे बना, फिर गोलीय तरंगागर से अगले कैसे बनेंगे, बेलनाकार से अगले कैसे बनेंगे, वो सब बातें हम इसके अंदर करेंगे। अब देखते हैं आगे इसमें कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है क्या। ये जो काल्पनिक रेखा है ये प्रकाश संचरण की दिशा को व्यक्त करते हैं कि प्रकाश जो है वो किस दिशा में संचरित हो रहा है, ऊर्जा संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, ऊर्जा किधर ट्रांसफर हो रही है। अब हमने इधर रेखा खींच रखी है, इसका मतलब ट्रांसफर जो है ऊर्जा का इधर आगे की तरफ हो रहा है। अब वो किस प्रकार की फॉर्म में है, उसके वेव फ्रंट तरंगागर कैसे हैं, वो स्ट्रक्चर पे उसके जो स्रोत है प्रकाश का वो किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसके हम सिद्धांत के पॉइंट वाइज लिख लेते हैं इसको कि क्या क्या सिद्धांत है। सबसे पहली बात आप एक नंबर पे तो क्या लिख लें, तरंगागर की परिभाषा लिख लें क्या है, क्योंकि हम सारी बात उसी से शुरू करेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हम पीछे कर चुके हैं, बेवजह टाइम खराब नहीं करेंगे। तरंगागर की परिभाषा आप यहाँ लिख लें कि उन बिंदुओं, अभी बात पहले भी की थी क्लास शुरू होते ही, कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समान कला में कंपन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तरंगागर कहते हैं। और एक ही तरंगागर पर कोई दो कण हैं उनके बीच में कालांतर जीरो होता है, ये बात ध्यान रखना। भी अगर पूछ ले इस तरह से कि किसी तरह, अभी हम आगे बात कर लेंगे, किसी तरंगागर के किसी भी बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर कोई दो अलग अलग कण हैं तो उनके बीच में कालांतर कितना होगा, कला में अंतर, उनके टाइम में डिफरेंस कितना होगा, तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक कण जब इधर पहुंचा है दूसरा कण उतनी दूरी में यहाँ पहुंचा है तभी तो वो एक तरंगागर बना है वो, इसीलिए इसको अगर एक सेकंड लगा है तो इसको भी एक ही सेकंड लगा है, इसको भी एक ही सेकंड लगा है, तो उनमें दो में या किसी भी दो बिंदुओं पर ले लें, दो बिंदु अलग अलग दे दें तो कालांतर पूछें तो उसमें कालांतर हमेशा जीरो होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है।
तो या तो इसमें आप लिख ले तरंगागर की परिभाषा। अब लेते हैं दूसरी बात। देखो प्रत्येक तरंगागर जो है उसका प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, एक नए स्रोत की तरह। कैसे? बिंदु समान स्रोत की तरह व्यवहार करता है, तो उससे नए गोलाकार तरंगागर निर्मित होते हैं, गोलाकार, ठीक है। और वो जो तरंगागर है वो वैसे ही होंगे जैसे पहला तरंगागर होगा। जैसे यहां बढ़ा लेते हैं हम कि ये मान लेते हैं कोई क्या है, कोई गोलाकार तरंगागर है, ठीक है। अब इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो भी एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। हर बिंदु, हम तो थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं इसको समझने के लिए, हर बिंदु इसका क्या होता है, एक नए स्रोत की तरह। जैसे ये स्रोत है एक, वैसे ये बिंदु भी क्या है, एक नया स्रोत है। तो इस स्रोत से कैसे तरंगागर निकले हैं, गोलाकार निकले हैं, तो इस स्रोत से भी कैसे निकलेंगे, गोलाकार तरंगागर ऐसे निकलेंगे। एक्चुअल में इनको तरंगिकाएं कहते हैं। ऐसे इनको कहते हैं तरंगिकाएं। ये तरंगिकाएं की जो सतह है वो आगे की सतह को अगर हम मिला देंगे, इस सतह को अगर मिलाएं तो इसे क्या होगा, इसे अगला तरंगागर का निर्माण होगा। अब इसके कारण अगला निर्मित हुआ है इसलिए इसको कहते हैं द्वितीयक तरंगागर। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगागर कहते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो क्या है, तरंगागर क्या है। दूसरी बात, कोई भी तरंगागर है उसका प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक तरंगागर, या ऐसे लिख लेते हैं, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निर्मित होती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं निर्मित होती हैं, इनकी सतह से बनने वाला तरंगागर द्वितीयक तरंगागर कहलाता है। तो नेक्स्ट बात, द्वितीयक तरंगिकाओं से निर्मित तरंगागर द्वितीयक तरंगागर कहलाता है। नेक्स्ट बात, पहला तरंगागर जैसा होगा द्वितीयक तरंगागर भी वैसे ही होगा। अगर बेलनाकार तरंगागर है तो बेलनाकार तरंगागर बनेगा नया, अगर समतल तरंगागर है तो उससे भी समतल तरंगागर बनेगा, अगर गोलाकार तरंगागर है तो नया तरंगागर जो बनेगा गोलाकार ही बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात और इसके अंदर हम लिख लेंगे अभी सभी बातों को, कि हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया है, आगे की तरफ, हमने इसको पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ भी बढ़ा लेना है, ये केवल एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो किधर होते हैं, आगे की तरफ होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है केवल आगे के भाग में होता है, इसीलिए वो तरंगिकाएं जो तरंगागर जो बनते हैं वो हमें आगे ही जाते हुए दिखते हैं, पीछे जाते हुए नहीं दिखते हैं। इसीलिए केवल ऊर्जाओं का स्थानांतरण, की ऊर्जा का स्थानांतरण केवल किधर होता है, आगे के भाग में होता है, ठीक है। वैसे ये जो कंडीशन है वो आती कहाँ से है, वन प्लस कोस थीटा इक्वेशन को फॉलो करता है, ये वन प्लस कोस थीटा इक्वेशन को, वन प्लस कोस थीटा इक्वेशन को। अगर यहाँ से देखें इस तरंगागर, इस बिंदु को लें तो यहाँ से इसके लिए जो कोण बनेगा, पीछे की साइड अगर देखें तो इधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे 180 डिग्री बनेगा, आगे की तरफ देखें तो रे में ऐसे जाएंगे आगे की तरफ, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। कोस 0 का मान क्या हो गया, 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं हम। दूसरी बात, जब हम इधर की बात करें पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें कोण कितना हो गया, प्रकाश किरण तो आगे की तरफ ही जा रही है, कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हुआ,
180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस एक, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1-1 बराबर 0। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो 1+cos θ के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ कितनी होती है 0 होती है, तो एनर्जी पीछे की ओर जाती नहीं है, केवल किधर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका आगे की, फॉरवर्ड कंडीशन में होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू रहती है वो केवल आगे की तरफ ही होती है। ठीक है, हमें उसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत 2 नंबर में पूछा जाता है, तब आपको ये पॉइंट वाइज जिस तरह से बताना है और हर पॉइंट में जो आवश्यक डायग्राम है वो बना देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो अब आप साफ साफ बना लेना, तो इसको इसके लिए डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट हम बात क्या लिख रहे हैं कि जैसे तरंगागर होंगे द्वितीयक तरंगागर भी वैसे ही बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गोलाकार तरंगागर से निर्मित तरंगागर, निर्मित द्वितीयक तरंगागर कह सकते हो, गोलाकार तथा समतल से समतल निर्मित होते हैं। आप इसको एक ही बात में भी लिख सकते हैं कि जैसे प्राथमिक तरंगागर हैं, पहले जो तरंगागर हैं उनसे नए यानी द्वितीयक तरंगागर उसी आकृति के बनते हैं, वैसे ही बनते हैं, जैसे प्राथमिक तरंगागर है वैसे ही द्वितीयक तरंगागर बनेंगे। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, वरना पूरा लिखे गोलाकार से गोलाकार बनता है, बेलनाकार से बेलनाकार बनता है, समतल से समतल बनता है, ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसा समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इसको बना के भी दिखाना, इसको बना के दिखाना कैसे दिखाएं, इसके लिए डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ गोलाकार का तो हम बना ही चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एक गोलाकार तरंगागर है, तो प्रत्येक बिंदु क्या होता है नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे क्या होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं, इनको द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। इनके पृष्ठ को मिलाने पर जो तरंगागर बनता है वो द्वितीयक तरंगागर कहलाते हैं। तो ये कैसा था, गोलाकार तरंगागर, और ये द्वितीयक तरंगागर है ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, गोलाकार तरंगागर ही है। अगर हम इसको मान लें कि ये आप इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो, गोलाकार तरंगागर से निर्मित गोलाकार द्वितीयक तरंगागर, तो अगला भी कैसा बना है, गोलाकार ही बना है। अगर हम बात करें कि ये समतल तरंगागर है, हम इसको प्लेन लेते हैं, प्लेन क्योंकि क्या बात की थी, गोलाकार तरंगागर हो बेलनाकार हो, अगर वो बहुत दूरी से आ रहे हैं तो उनका थोड़ा भाग जो है वो एक समतल की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, समतल तरंगागर बोल देते हैं। अब यही बात इसके अंदर लागू होगी, जो ये हाइगेंस का सिद्धांत है कि इसका प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो नया स्रोत क्या है, बिंदु समान है, तो इससे कैसे तरंगागर निकलेंगे, ऐसा नहीं है भाई समतल है तो समतल निकलेंगे, समतल वास्तव में तरंगागर नहीं है, वास्तव में क्या है ये, जैसे गोलाकार है तो गोलाकार ही है ये, लेकिन ये गोलाकार तरंगागर का बहुत बड़े तरंगागर का छोटा भाग है, इसलिए समतल की तरह है। तो समतल से बनेंगे समतल, लेकिन जो उसके प्रत्येक बिंदु है वो नए स्रोत की तरह, बिंदु समान स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, और बिंदु समान स्रोत से हमेशा गोलाकार ही निकलते हैं, ऐसा नहीं लिखना है कि इससे समतल से समतल निकल जाएंगे, निकलेंगे नहीं, बनेंगे तो गोलाकार ही, लेकिन उनकी सतह से जो निर्माण होगा वो समतल आकृति का होगा, तो तरंगागर समतल बनेंगे, लेकिन बिंदु प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, तो वहाँ गोलाकार तरंगिकाएँ ही बनेंगी। ये जो तरंगिकाएँ हैं ये कैसी बनेगी, गोलाकार ही बनेगी। अब गोलाकार बनेगी, इनके सतह को मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा है, तो अगली भी कैसी बनेगी, सीधी रेखा बन जाएगी। तो ये क्या है, समतल तरंगागर से, ऐसे लिखना है इसको, समतल तरंगागर से निर्मित द्वितीयक समतल तरंगागर, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। ठीक है, और इसके अंदर पांचवी बात जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि तरंगागरों के लंबवत खींची गई रेखा जो है वो प्रकाश किरण कहलाती है, जो हमने ऊपर लिख रखी है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आप इसको लिख लें, अच्छी तरह से समझ लें, और बाकी बातें जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर अगला टॉपिक, तब तक आप इसको लिख लें।